बुधवार शाम को आम आदमी पार्टी की ओर से बढ़ते हुए बिजली दाम को लेकर कामठी तहसील कार्यालय के सामने हाईवे रोड पर जन आक्रोश आंदोलन किया गया। ईडी सरकार ने सत्ता में विराजमान होते ही जनता से वसूली शुरू कर दी है। बिजली बिल में की गई बढ़ोतरी अन्यायपूर्ण है। कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने इन मुद्दों पर आवाज उठाई थी। अब इन मुद्दों पर भाजपा ध्यान नहीं देने की बात पर आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। कर बिजली के मुद्दों पर नारेबाजी करने वाले बीजेपी इस विश्वासघात के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आज कामठी में आक्रोश के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन में शहर अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पता है कि आज जो है हम जो 20 हज़ार में जो हमारे यहाँ पे बढ़त हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद में हर जनता जो है परेशान है, और उसके साथ में जो है बिजली ये हर घर में होनी जरूर मतलब ज़रूरत है हर किसी की, लेकिन बिजली के सिवा कोई उपकरण नहीं चलता, कुछ भी नहीं। लेकिन ये 20 हज़ार में जो बढ़ाई होते जा रही है, उसके वजह से ये सामान्य की जनता है वो त्रस्त होते जाती है। और आम आदमी पार्टी के तरफ से हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि ये 20 हज़ार में आप कम से कम हमें मतलब कपाट करके दिया जाए, और जो 200 यूनिट का जो टारगेट है, जैसे पंजाब या दिल्ली सरकार जो फ्री में लोगों को देती है, फ्री में नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोलेंगे कि उनका जो हक है कि उनको 200 से या 300 यूनिट आप फ्री में दिया करें, बस उतना ही हमको मिले और हमारा हक हमको मिले। और दिल्ली घर में वो जो कपात है और जो हम हर जो दाम बढ़ाते जाते हैं, वो दाम में कुछ ना कुछ कपात किया जाए और उसका ऑडिट किया जाए। CAG जो ऑडिट हम बोलते हैं कि 20 हज़ार में जो ऑडिट होती है वो ऑडिट किया जाए। सभी नमस्कार। आज दिनांक 13/7/2022 ला इथे वीज दरात जी वाढ झालेली आहे ती कमी करण्याबाबत हे आंदोलन करण्यात आलेले आहे। तरी इथे सर्व कामठीवासियांनी आमचे सहकार्य केलेले आहे आणि आता आम्ही इथे तहसील समोर आंदोलन करीत आहो, आणि देवेंद्र फडणवीस सरांनी सुद्धा अशी काही आंदोलने केलेली आहे, परंतु त्यांच्या आता सत्तेत आल्यानुसार त्यांना ते विसर पडलेलं आहे। त्यांच्या जे त्यांनी आंदोलने केलेली आहे, आमच्यासारखी सुद्धा त्यांनी आंदोलने रस्त्यात येऊन केलेली आहे। आता 10 ते 20% वीज दरात वाढ होत आहे, ही वाढ लवकरात लवकर कमी करावी अशी आमची सर्व जनतेची मागणी आहे, आणि सर्वसामान्य जनता ही दरात वाढ कमी झाली पाहिजे असे आंदोलन आम्ही गेल्या दोन वर्षापासून सतत करत आहोत। आम आदमी पार्टी ही वीज दर कमी व्हावा यासाठी 2 वर्षापासून आंदोलने सुरू ठेवत आहे। हाच मुद्दा आज आम्ही इथे मांडत आहोत, आणि आमचा हा मुद्दा तहसीलदार साहेबांनी विचारात घ्यावा अशी आमची मागणी आहे। जय हिंद। जलाई थी कि बिजली कम होना चाहिए, बिजली दरें कम होना चाहिए, लोग परेशान हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या साहब आप वो वादा भूल गए? क्या आप वो सब चीज़ भूल गए? क्या आपने अब गरीबों के लिए काम करना बंद कर दिया है? अब आप सत्ता में आ चुके हो फिर से, हमारी बस विनती आपसे है हाथ जोड़कर कि आज जनता परेशान है, लोगों के पास में काम नहीं है, व्यापार नहीं है, अब तो स्कूलें भी चालू हो गई है, आज इंटरनेट का दौर है, लोग परेशान है। सर, हम आपसे विनती करते हैं कि आपने जो 20% जो बिजली दरें बढ़ाई है, आप उसको तत्काल वापस लें, उसको कम करें आप उस दरों को, और 200 यूनिट बिजली फ्री आप पूरे महाराष्ट्र में कीजिए, क्योंकि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने गई थी, उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ने गई थी, तो वहाँ पर भाजपा सरकार ने बोली थी कि हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज तुम्हारी सरकार यहाँ पर है, आप लोग दे सकते हो, जब दिल्ली के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, जबकि पंजाब के अंदर में लाखों का कर्जा सरकार के ऊपर में पहले से करा हुआ है, उसके बावजूद पंजाब सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। तो आपसे विनती है शिंदे सरकार साहब से कि आप महाराष्ट्र के अंदर में 200 यूनिट बिजली फ्री करो, यदि अगर से आप लोगों ने नहीं किया तो आने वाले इलेक्शन के अंदर में आप लोगों को पता चल जाएगा जो आप लोग जनता को धोखा देकर वोट लेते हो, जनता आपको बताएंगी। और अरविंद केजरीवाल साहब और भगवंत मान साहब,
महाराष्ट्र के अंदर में आप सरकार बनाने के अंदर आएंगे और 200 यूनिट और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 200 यूनिट फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। 200 यूनिट फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।